हेलो दोस्तों, क्या आपके पास भी है स्प्लेंडर प्लस बाइक और वो दे रही है कम माइलेज? तो दोस्तों आप अपनी बाइक का घर पर ही अपना माइलेज सेट कर सकते हैं खुद अपने हाथों की मदद से। तो दोस्तों इस वीडियो में ये सारी जानकारी हम देने वाले हैं कि अपने घर पर अपना बाइक का माइलेज कैसे सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए आपको बतलाते हैं। तो दोस्तों जिस पे ये पावर स्टार्ट लिखा होता है, पहले आपको एक पेचकस ले लेना हो और इसको खोल लेना है कुछ इस तरह से। उसके बाद में आप आसानी से ही अपनी बाइक का माइलेज अपने घर पर ही सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको ओपन करने के बाद आप ये यहाँ पे दो जेट देख पा रहे होंगे, एक ये मिक्सर जेट होता है मिक्सर जेट और एक ये होता है स्लो जेट। तो दोस्तों अपनी बाइक को थोड़ा सा आपको गर्म रखना है, बाइक गर्म होगी गर्म रहेगी तभी आपकी जो बाइक है उसका माइलेज प्रॉपर सेट हो जाएगा। तो एक दो मिनट बाइक को आप गर्म कर लें। अगर बाइक आपकी ठंडी है, जो हमारे पास बाइक है ये ऑलरेडी पहले से ही गर्म है, हीट हो रखी क्योंकि हमने पहले ही इसको दो तीन मिनट के लिए गर्म कर रखा था। और आपको एक चीज़ और चेक करना है, अगर आप अपनी बाइक का माइलेज सेट करें तो जो ये चोक होती है दोस्तों ये इस तरह से बिल्कुल नीचे हो जाए तभी अपनी बाइक का माइलेज सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपनी बाइक को हम स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने के बाद दोस्तों आप ये मिक्सर देख पा रहे होंगे, ये किसका, इसको प्रॉपर पूरा इस तरह से बाइक के अंदर जो कार्बोरेटर होता है इस पर ये मिक्सर होता है दोस्तों, पूरा इसके अंदर टाइट कर देना है। उसके बाद में दोस्तों एक ये इस तरह से अपनी जो बाइक होगी बंद हो जाएगी और जो अपना ये स्लो जेट होता है इसको भी कुछ इस तरह से आपको टाइट करना है। तो मैं पहले इसको थोड़ा टाइट कर लेता हूँ और उसके बाद में अपनी बाइक में स्टार्ट करेंगे, यानी कि सेल्फ वहाँ लगा के देखेंगे। तो दोस्तों जो हमारी बाइक थी वो स्टार्ट हो गई है, आप आवाज़ सुन पा रहे होंगे इस तरह से। तो दोस्तों जो अपनी बाइक थी तो कुछ इस तरह से स्टार्ट रहेगी, थोड़ी आरपीएम कम हो रही है यानी कि स्लो कम हो रही है। तो आप इस वाले मिक्सर से, इस वाले जेट से इसको जो स्लो है उसको थोड़ी बढ़ा लें आप पहले। और उसके बाद में दोस्तों जो ये मिक्सर है जिसमें इस मिक्सर का काम होता है दोस्तों, जो एयर होती है उसको पेट्रोल के अंदर मिक्स करता है और लिमिट के हिसाब से ही अपने हेड में वो पेट्रोल भेजता है पिस्टन पर। तो थोड़ा सा और इसको बढ़ा लें, जो अपनी बाइक है वो बंद नहीं हो। तो इस तरह से मैंने बढ़ा लिया है और देर के लिए एक दो सेकंड के लिए आपको रुकना है, देखना है आपकी जो बाइक है उसकी रेस बढ़ तो नहीं रही है। तो इस तरह से आपको सेट करने के बाद जो अपना ये मिक्सर है दोस्तों, प्यार से धीरे धीरे आपको ये बाहर निकालना है, वो इसलिए जो अपनी बाइक है वो बंद नहीं हुए। तो मैं धीरे धीरे इसका मिक्सर जो है बाहर निकाल लेता हूँ कुछ इस तरह से प्यार से, और जो अपनी बाइक है उसकी ओवर रेस होने लगेगी। अगर दोस्तों आप इस मिक्सर को अपने पेचकस की मदद से तेज़ से निकालेंगे तो जो अपनी बाइक है वो एकदम से बंद हो जाएगी। दोस्तों देखा, ये मैंने थोड़ा सा ही इसका मिक्सर निकाला और जो बाइक है उसकी रेस जो ज़्यादा हो गई है। तो इसको थोड़ा सा और निकाल लेता हूँ, मैं इस तरह से निकाल लेता हूँ इसको। मैंने इसका दोस्तों एक चूड़ी बाहर निकाल लिया और जो मेरी बाइक है ये बहुत ज़्यादा ओवर रेस हो गई है। उसके बाद मैं एक और निकालता हूँ, जो बाइक है दोस्तों और ज़्यादा तेज हो गई है। उसके बाद मैं एक और निकालता हूँ, तो दोस्तों बाइक जो है और तेज़ हो गई है। उसके बाद मैं एक और निकालता हूँ, तो दोस्तों आप ये आवाज़ सुन पा रहे होंगे, जो बाइक की रेस थी थोड़ी कम हो गई है। तो इसको मैं दोबारा से टाइट कर देता हूँ और दोस्तों यहाँ पर आप देख सुन पा रहे होंगे, जो यहाँ पर जो है गाड़ी की रेस सबसे ज़्यादा हो गई है। तो आपको यहीं पे जो सिलो है ये इसको आपको लूज़ करना है और यहीं पे अपनी बाइक की जो सिलो है वो सेट कर देनी है। तो मैं अपने पेचकस की मदद से अपनी बाइक की जो आरपीएम है यानी कि सिलो उसको सेट कर लेता हूँ और मेरी बाइक का जो माइलेज होगा वो प्रॉपर ही सेट हो जाएगा। तो दोस्तों ये गलत होता है कि दो चूड़ी या फिर तीन चूड़ी या फिर ढाई चूड़ी निकालने से जो अपनी बाइक का माइलेज होता है वो सेट हो जाता है। माइलेज दोस्तों इसी तरह से सेट होता है, जो अपना ये मिक्सर होता है इसको बाहर निकालने से जब अपनी बाइक सबसे ज़्यादा जहाँ पर रेस लेने लगती है उसी तरह पे, तो अपना ये मिक्सर होता है सबसे ज़्यादा जहाँ पर रेस लेने लगती है। तो आप ये जो देख पा रहे होंगे स्लो वाला जेट, इसको आपको वहीं पर सेट कर देना है कुछ इस तरह से, जैसे दोस्तों मैं कर रहा हूँ। और ये जो बाइक है हमारी प्रॉपर इसका जो माइलेज था वो सेट हो गया है। तो दोस्तों आपकी बाइक अगर माइलेज कम दे रही है तो आप इस तरह से अपनी बाइक का जो माइलेज है वो बढ़ा सकते हैं, डबल कर सकते हैं। तो दोस्तों आप मेरे चैनल अकबर बाइक डॉक्टर पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ कर लेना है सब्सक्राइब और बेल आइकन को आपको ऑल पे सेट कर देना है, जब न्यू वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो दोस्तों हमारी बाइक का जो था प्रॉपर ही इसका जो माइलेज था वो सेट हो गया है
उसके बाद में जो इसका हमने यहाँ पे कवर खोला था यहाँ का, उसको हम लगा लेते हैं अपने पेचकस की मदद से। तो दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बता देना है, और जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर देना लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।